हेलो भाई, मैं विवेक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वराज 855 FE के बारे में। अगर आप 2021 या 22 में स्वराज 855 लेने का प्लान कर रहे हो तो लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी 2-3 महीने बाद आपका 2022 स्टार्ट हो जाएगा और मेरे हिसाब से आपको सेम जो 2021 में मिल रहा है वही चीज़ मिलेगी। अगर नया मॉडल आता है तो भाई बात अलग है, बाकी इसकी बात करेंगे लेना चाहिए या नहीं। प्लस आपको मैं ये भी बताऊंगा कि 744 XT और इसमें कितना अंतर है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि कंपनी ने अभी पहले इसका 744 FE बढ़िया था, अगर उसी में कुछ इंप्रूवमेंट करके कंपनी ला देती तो ठीक था, लेकिन उन्होंने 744 XT एक और नया मॉडल लॉन्च कर दिया जब से महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में स्वराज गया है। तो इसके काफ़ी सारे मॉडल आ गए हैं, 744 XT, 735 FEE, 735 FE पटेटो एक्सपर्ट, मतलब 963, 969, और पहले टाइम पर आपको मिलता था 735, 744 और 855। आपने नाम ले दिया कि भाई मेरे पास 744 है तो सामने वाला बंदा वैसे ही समझ जाएगा कि ये स्वराज का है, तो कम अगर रहे तो मेरे हिसाब से वो बढ़िया है। बाकी देखो, कंपनी आपको नई नई चीज़ देती है, आपको जो लेना है वो आप ले सकते हो। अभी आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वराज 855 FE के बारे में कि आपको 2021 या 22 में लेना चाहिए या नहीं। प्लस आपको 10 साल में अपना जो 2011 मॉडल है ये ट्रैक्टर, 10 साल में आपको कितना स्वराज ने क्या क्या चीज़ दी है, कितना चेंज आया इसमें, वो चीज़ भी आपको मैं दिखाऊंगा। अच्छे भाइयों का कहना है कि भाई स्वराज 855 जैसा पहले आता था बिल्कुल आज भी वैसा ही है, तो मैं आज की वीडियो में यही दिखाऊंगा कि क्या क्या नए नए फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। यह भाई मेरे पास 2011 मॉडल, यहाँ पर अगर मैं आपको पहले इसका इंजन दिखाऊँ तो ये देखो, ये किर्लोस्कर के इंजन में है ये ट्रैक्टर, और अभी आपको यहाँ पर स्वराज लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि वो स्वराज का अपना खुद का इंजन है। अभी फ्रंट से बात करें तो फ्रंट का व्यू तो आपको सेम मिलेगा आज भी, लेकिन यहाँ पर उसमें आपको बेट मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़रूरत है इस ट्रैक्टर में बेट की, इसकी लिफ्टिंग काफ़ी होती है जब आप तोता चलाते हो काफ़ी गहराई लेके। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाता है एडजस्टेबल एक्सल, जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से तो इसका कभी यूज़ होता नहीं है। और उसके बाद में अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको इसमें बॉस कंपनी का जो पंप है वो मिल जाता है 3 सिलेंडर का, जो नया मॉडल है उसमें भी आपको ये पंप तो सेम ही मिलेगा, और जो इंजन की बनावट है वो भी बिल्कुल सेम ही मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको दिखाया किर्लोस्कर का इंजन, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा स्वराज, और यहाँ से तो भाई बिल्कुल सेम है। उसके बाद में अभी जो नया मॉडल है आपको 5 स्टार मिलता है, उसमें यहाँ से आपको डबल क्लच का जो सिस्टम है वो मिल जाता है, वो मैं आपको उसका स्क्रीन पर वीडियो भी दिखा दूंगा। मेरे पास जो नया मॉडल का स्वराज 855 है उसका भी वीडियो है, और इसमें मिलता है डुअल क्लच और उसमें आपको मिलेगा डबल क्लच, एक क्लच आपको यहाँ पर दे दिया है। और भाई जो अपना नया मॉडल का 855 में, उसमें यहाँ पर थोड़ा सा मतलब फ्लेट कर दिया है, हालांकि बम्प तो आपको मिलता है लेकिन उसमें जगह काफ़ी मिल जाती है, मतलब इसमें उसके कंपैरिजन में अगर इसको देखें तो इसके ये भी पैरदान भी है जो काफ़ी छोटे लगते हैं, उसके थोड़े से मतलब खुला खुला सा लगता है। सीट भी उसमें आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है, वो मतलब थोड़ी सी बड़ी कर दी है, काफ़ी बढ़िया लगती है और आरामदायक सीट भी है। अभी बात करते हैं इंजन की, एक बार मैं फिर से मतलब आपको जो CC वगैरह है वो बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि 744 XT और इसमें कंपैरिजन भी करूँगा। अभी जो नया 855 आता है उसमें आपको मिलता है RB33TR नाम से इंजन, इसका तो खैर पुराना है इसकी बात नहीं कर रहा, जो अभी लेटेस्ट ट्रैक्टर चल रहा है 855 का उसका मैं आपको बताऊँगा। तो उसमें RB33TR नाम से इंजन मिलता है। इसके बाद में इसके इंजन की RPM की बात करें तो 2000 इंजन रेटेड RPM मिलता है, 744 में भी सेम RPM है XT में, और इसमें भी आपको सेम RPM मिलता है। इंजन की कैपेसिटी की बात करें तो भाई इसमें आपको मिलेगा 3307 CC का 855 में, 3307 CC का, और जो स्वराज 744 XT है उसमें आपको मिलता है 3478 CC का, मतलब काफ़ी बड़ा CC जो है वो बढ़ा के दे दिए, RPM सेम है CC बढ़ा के दे दिए, लगभग इससे 171 CC ज़्यादा है। तो अभी 855 से बड़ा मिलता है, और 855 की HP कैटेगरी की बात करें तो वैसे ये मतलब 52 HP भी आपको बहुत से लोग इसकी जो है वो बता देंगे, बाकी 50 से 55 HP जो कंपनी बताती है वो 50 से 55 HP है इसकी, और जो अपना 744 XT है उसकी आपको मिलती है 52 HP का वो ट्रैक्टर है, तो उसकी आपको ये बड़ी मिलेगी। एक तो आपका CC जो है वो ज़्यादा हो गया, टॉर्क भी थोड़ा बहुत आपको उसमें ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसे 11 साल से यूज़ कर रहा हूँ तो भाई मेरे को इसमें कभी मतलब कोई समस्या हुई नहीं। मेरे हिसाब से तो 55 से 60 तक का ये काम आराम से कर देता है, मतलब 9 का जब तोता चला रहा है और क्या चाहिए आपको, मतलब 855 से, वो भी 10 साल पुराना। और इसका इंजन भी भाई मैंने कभी खुलाया नहीं है। अब बात करें टायर साइज़ की, तो मतलब अगर आपको 744 XT लेना है तो उसमें आपको सिर्फ 14 का ऑप्शन मिलेगा,
और 16 का उसमें आपको नहीं मिलेगा। हालांकि उसकी काफ़ी चीज़ें बढ़ा के दी है, लेकिन फिर भी आपको 16 के टायर साइज नहीं मिलेंगे। यहीं से आप पता कर सकते हो कि 855 है, 744 XT। अगर आप 14 के टायर वाला ट्रैक्टर ले रहे हो स्वराज 855 FE, तो आप 744 XT को एक बार देख सकते हो। मतलब वो भी बढ़िया है, अगर आपको वो चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, क्योंकि जब 14 के टायर में आपको लेना है, आपको मॉडल से कोई मतलब नहीं है कि मतलब ये वाली 100 में चाहिए या अपना जो 744 की 100 आती है उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप वो ले सकते हो, वो भी बढ़िया है। बाकी अगर आपको ये लेना है तो फिर आपको ये 16 और 14 दोनों ऑप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से इंजन का जो चेंज है वो भी मैंने आपको बताया, प्लेटफॉर्म का चेंज बताया, और एक उसमें जो नया स्वराज है उसमें यहाँ पर आपको मीटर का भी चेंज मिलेगा, डिजिटल मीटर आता है जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है, और इसका जो स्टेयरिंग है वो भी काफ़ी छोटा कर दिया है, तो वो भी चलाने का अलग ही मजा है। इसमें भी वो स्टेयरिंग आप लगा सकते हो जिसकी प्राइस लगभग 1400-1500 रुपये में आप कंपनी से लाके इसमें लगा सकते हो। अभी बात करें भाई इसके पीछे से कि पीछे उसमें कितना चेंज है। दिखने में भाई पीछे से सेम है, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है, 3 पॉइंट सेंसिंग मिलती है। मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना भी है कि स्वराज की जो सेंसिंग है वो सही से काम नहीं करती। मैं इसे भाई 11 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसकी सेंसिंग एक नंबर काम करती है। एक बार इसमें प्रॉब्लम आई थी, अपना जो रेड लीवर है भाई उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो यहाँ से ये खुला और इसमें एक वाइसर रखाया जिसमें गेप बन गया था, मतलब चल चल के, उसके बाद से ये बढ़िया काम करता है। अभी नए मॉडल में आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है। यहाँ पर लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो सेम 1700-1800 केजी के लगभग इनकी लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है, 744 XT की भी और 855 की भी। RPM की बात करें तो अपने वाले के RPM है वही 1000, अभी जो नए मॉडल में आपको 540 RPM मिलेंगे। PTO की HP की बात करें तो भाई स्वराज 855 की 43 HP बताते हैं, और जो अपना 744 XT है उसकी आपको 44 HP बताएंगे। साथ में यहाँ पर आपको एक ईजी हिच मिल जाता है जिससे आप नीचे से, मतलब ट्रॉली वगैरह आपको लगाना है तो आप नीचे से उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो इतना चेंज आपको मिलेगा, जो भी मैंने चेंज था वो आपको बता दिया। यहाँ पे क्लच का डबल क्लच, बाकी ऐसा कोई ज़्यादा इसमें बड़ा चेंज है नहीं। लुक की बात करें तो भाई लुक आपको सेम मिलने वाला है, नया ट्रैक्टर आप ले लो अभी जाके, सिर्फ जो ब्रांडिंग है उसका जो चेंज है वो मिल जाएगा। अगर मैं इसमें ब्रांडिंग बदल दूँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 11 साल पुराना मॉडल है या अभी 2021 का है। तो भाई आज की वीडियो में यही था। एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, बहुत से भाई पूछ रहे थे भाई स्वराज का नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, तो भाई ये खड़ा अपना स्वराज 735 FE, इसके इंजन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैंने डालने का बोला था, लेकिन अभी भाई थोड़ा सा अपना जो काम है वो चल रहा है, तो उसके बाद में जब भी टाइम मिलेगा मैं इसका पार्ट डालूंगा। आज की वीडियो में था इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।